शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहाँ जा रही हो? अपनी बेगुनाही का आधा सबूत लेने। पता है कि तो तब ना तुझे कुछ याद रहेगा, कल सूर्योदय के पश्चात तू अपने आप को भी भूल जाएगी। अंजलि, मैं तुझे जमा होंगे। के पास गए थे जिसने हम पे काला जादू किया था। उस अभी में मैं जान से मारने की कोशिश की, लेकिन हम वहां से भाग कर निकल गए। गोपाल ने हमें बचा लिया। क्या हुआ? आपको अब भी लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं? इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। साइन कर दिया। तुम भी कर दो। डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दो। रात भर घर नहीं आए, आपको हमारी चिंता नहीं हुई? आपने ये भी नहीं पूछा कि हम ठीक है या नहीं? ये पूछने का अब ना तो मुझे हक है और ना ही कोई मतलब।
चलो यश, अपने कमरे में चलो। इस अंजलि के साथ टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। हम अपने पति से बात कर रहे हैं, तू बीच में मत बोल रिचा। मत। यश जी हमारे पति है। था। तुम्हारा पति था, लेकिन अब नहीं हो। एक लड़की, तलाक के कागज पर दस्तखत कर और हमारे घर से निकल। यहां से जाके जितने तमाशे कर ले कर लेना, बस हमें बख्श दे। पापा? हाँ? आप लोगों ने भी नहीं पूछा कि हम कहां थे? कहीं हम किसी मुसीबत में तो नहीं थे? हम सब अच्छे से जानते हैं तू कहां थी और किसके साथ थी। तूने और आदित्य ने तो आज सारी हदें पार कर दी। तू कांड करके घर आ गई और वो आदित्य अब तक नहीं आया। पता नहीं इतनी रात गए कहां भटक रहा होगा। आने दे आदित्य को, पूछती हूँ उससे। बहुत रातें बिताने का शौक हो रहा है तो तेरे साथ। बस बड़ी दादी बस। कितने इल्जाम लगाएंगे हम पर? एक बार सच जानने की कोशिश तो कर लीजिए। मुकेश, उमा जाओ अपने कमरे में, इससे मैं निपटूंगी। चल तलाक के कागज पर हस्ताक्षर कर। अपना सामान बांध और दोबारा अपनी मनु शक्ल मत दिखाना हमें। तुम इतना उदास मत हो यश, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। वो अंजलि तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं थी। हाँ तुमसे गलती हुई कि तुमने उसके लिए मुझे अपने बचपन के प्यार को छोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, गलती तो हर किसी से हो जाती है। और मैं तुम्हारी हजार गलतियों के बाद भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूं। इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों अकेला छोड़ दे? ताकि तू उस बेशरम लड़की के लिए अपनी कीमती आंसू पाए। देख उसने भी दस्तखत कर दिए। बड़ा कहती थी
हम यश जी से बहुत प्यार करते हैं, तो 2 मिनट भी नहीं लगे उसे तलाक के कागज पर दस्तखत करने में। कहाँ जा रहे हो यश? खुदकुशी करने। आज यश जी ने हमारी ऐसी हालत देखकर इंसानियत के नाते भी हमसे नहीं पूछा कि हम ठीक हैं या नहीं। बल्कि ये सोच लिया कि हम उस आदित्य के साथ थे। I love you. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती अंजलि। बात मिलन यही तक था। और आपने पराया कर दिया हमें। कितने पागल थे हम, कितने पागल थे जो सोचते थे कि हमारा कुटले मिले जन्मों जन्मों का है। हमें कहा था कि आप बस 2 कदम ही हमारे साथ चलेंगे। तुमसे दूर जाना चाहते हैं ना? अगर आपकी खुशी इसमें है तो हम आपकी खुशी के लिए ये करने को भी तैयार। लेकिन यश जी, जब आपको पता चलेगा ना कि हम बेकसूर हैं, आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। जा रहे हैं आप छोड़ के। अंजलि, मुझे छोड़ के मत जाओ ना, प्लीज।
हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट होने के बाद वो मर गया। ये तो वही आदमी है जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये जिंदा कैसे? अंजलि सही कह रही थी कि वो आदमी जिंदा है। जल्दी डिवोर्स पेपर पे साइन करती है? हाँ मम्मी, ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट न्यूज थी। कहीं ये कमाल भैरवी देवी ने तो नहीं किया है? भैरवी देवी, उसका तो तू नाम भी मत ले, उसके बस का कुछ भी नहीं है। आज सुबह मैंने उसे फोन किया था ये पूछने के लिए कि अंजलि की याददाश्त चली गई ना, लेकिन उसने कहा अंजलि उसकी काली विद्या की सामग्री नष्ट करके भाग गई। जब अंजलि जैसी लड़की उस पे भारी पड़ रही है तो वो हमारे किस काम की? ससुराल वालों ने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया बेचारी अंजलि। अब तो कहाँ जाएगी अंजलि? कहीं तू मेरे घर आने की तो नहीं सोच रही ना? जब मैंने तुझे इस घर में नहीं रहने दिया तो तुझे लगता है कि मैं तुझे अपने घर में रहने दूंगी? निश्चिंत रहिए, हम आपके घर नहीं आएंगे। जी मैंने देख लिया, बता गाड़ी के नीचे आकर मरने का नाटक किया था ना? क्यों किया था बता? किसके कहने पर किया तूने ये सब? तो बताओ किसके कहने पर किया? बोल वरना सच में तुझे मार दूंगा मैं। किसके कहने पर किया? ये रही आपकी अमानत।
रुक। ये जो गले में हीरो का हार पहना है उसे कौन वापस करेगा? इसके लिए क्या अर्जी देनी पड़ेगी? अंगूठी निकाल। नहीं बड़ी दादी, ये अंगूठी हमारी सुहाग की निशानी है, हमें ये अच्छी नहीं दी थी। अंगूठी निकाल, जब सुहाग ही नहीं रहेगा तो क्या अंगूठी का अचार डालेगी? नहीं निकालेंगे हम अपनी सुहाग की निशान। ये कागज का टुकड़ा हमारा सुहाग नहीं मिटा सकता। यश जी हमारे थे, हमारे हैं और हमेशा हमारे ही रहेंगे। गोपाल ने यश जी को हमारी किस्मत में लिखा है और यश जी हमारे ही रहेंगे। बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।